तो कैसे आप सब लोग, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को चेस्ट की वर्कआउट बताऊंगा। बिगर चेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। की वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमको डिप्स मारना बहुत ज़रूरी है। हम पहले सेट हमें डिप्स का लेंगे। हमको डिप्स में 12 से 13 रेपिटेशन निकालनी है और 3 सेट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको इस तरीके से डिप्स and I can't get out सेट है बेंच प्रेस। हमको इस तरीके से सेट लगाना, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि पोजीशन क्या होगी। बेंच प्रेस की चेस्ट की भी हमें इस तरीके से करना है। यहाँ पर ऊपर थर्ड सेट है डम्बल से बेंच प्रेस। हमको इस तरीके से करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 10 से 12 रेपिटेशन निकाल लिए, 3 सेट करते हैं। इस तरीके से नीचे लगा सुबह ऊपर जाते हुए डम्बलों को मिलाना है। नीचे आते हुए दूर होंगे, ऊपर आते पास होंगे। बिल्कुल सुबह अपने कॉलियों पर जोर देते हुए बिल्कुल चेस्ट पर बिल्कुल हमारा फोर्थ सेट है डम्बल फ्लाई। हमको डम्बल फ्लाई करना है फोर्थ सेट। अपने चेस्ट की शेप वगैरह के लिए और अपने चेस्ट की नली के लिए हमें फोर्थ सेट है हमारा डम्बल से फ्लाई। हम करते हैं, देखिए इस तरीके से करना हम लोगों को। इस तरीके से डम्बल पकड़ने में तो स्ट्रेट हाथों की कोशिश रहेगी। नीचे से 12 रेपिटेशन, 3 सेट। वेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पांचवा और आखिरी सेट है। हमको एक डम्बल लेना है और हमको बेंच पर बाहर आना है। ये आखिरी सेट करना है। इस तरीके से करना है, तरीके से पोजीशन से पकड़ना है, पीछे ले जाना है और दिलाना है। ये पीछे दिलाना जरूरी आगे। ये अपर चेस्ट के लिए वर्कआउट है। हमारी पांचों वर्कआउट चेस्ट की हो चुकी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पांचों वर्कआउट बताइए कि कैसे आप इनको फॉलो कीजिए। आप अपने चेस्ट को ब्रॉड अच्छा तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।